राजधानी स्थित गांधी प्रतिमा पर आज महावीर सेना द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बैठक समाज सेवा एवं समाज सुधार के लिए काम करना था। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर सूर्य कुमार रहे। इस बैठक में मौजूद सभी लोगों ने आपसी प्रेम भाईचारा बनाए रखने की अपील की। संवाददाता लकी कुमार गौर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक महावीर सेना बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है और साथ ही गरीबों को न्याय दिलाने में प्रयासरत है। समाज सेवा के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए विभिन्न जनपदों के स्वयं सेवक कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए हैं। गांधी जी को देश का एक महान स्वयं सेवक, समाज सेवक, राष्ट्रपिता मानते हुए माल्यार्पण करके हम लोग मांग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू किया जाए, सबके लिए समान कानून बनाया जाए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भेदकारी कानून न रहें। साथ ही देश की जो बेरोजगारी की समस्या है, इसके लिए बैंकों के दरवाजे और खोल दिए जाएं, अमीरों को कम, गरीबों को सब्सिडी और लोन, ट्रेनिंग, कौशल विकास मिशन की तरह खूब ट्रेनिंग दी जाए, सबको रोजगार मिल जाए। देश में न्याय बहुत विलंब से मिलता है, तो न्याय सुधार लागू किए जाएं, जल्दी न्याय, सस्ता न्याय मिले। इसी तरह पुलिस लोगों का अपमान कर देती है, तो पुलिस सुधार लागू किए जाएं, पुलिस किसी से बदतमीजी न करे, पुलिस जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए काम करे। इसी तरह जो भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयास हो रहे हैं, उसकी हम लोगों ने सराहना किया और कहा कि आगे से जो लोग घूसखोरी कमीशन करते हैं, लेते हैं, उनका उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, खाली इनको जेल ही न भेजा जाए, संपत्ति जब्त कर ली जाए जो उन्होंने बेईमानी से कमाई हो, और लोगों की जितनी ज़्यादा ज़्यादा संभव हो सके सब लोग मदद करेंगे, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज़। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।